रहता है जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो मेंढक फुदकने लग जाते हैं जी। अच्छा हैं? हाँ ये बरसाती मेंढक होते हैं। झूठ नहीं बोलोगे? नहीं 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 झूठ नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आपको मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मन में क्या है आज, मुंह पर क्या रहा है? नहीं बात, अगर भिवानी शहर ने हमें इस लायक समझा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी की जरूरत नहीं है। हमारे घर में सब समझदार पढ़े लिखे हर चीज है। ऐसी बात नहीं, या तो चुनाव लड़ेंगे तो फाइट बिल्कुल कि भैया ये कमी है, हम इस हम इस आधार को लेकर चलेंगे, चुनाव इस आधार पे हम चुनाव लड़ेंगे। या तो आप ये बताएं कि भैया हमारे छोटे कस्बे के अंदर ये कमी है, प्रॉब्लम है जो हमें सोल्व करनी है, बनने की हमारे मन की इच्छा है। सफाई भी देखते हैं, लाइट भी बंद पड़ी रहती है, सफाई भी अच्छी तरह नहीं होती है, करवाते हैं, कहीं ठेका पड़ता है, ठेकेदार कैसे काम करता है वो उनका मैटर। कमेटी में उदाहरण दिया जाता है रमेश मस्ता जैसा नगर पालिका के अंदर भिवानी में कोई प्रधान नहीं हुआ। नमस्कार, मैं अजय और बात हुआ चुनावी माहौल की, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव का विगुल बजता है, चाहे वो चुनाव छोटा हो चाहे वो चुनाव बड़ा हो, लेकिन वोट की कीमत वही जो छोटे की हो वो वही बड़े की हो, तो बात गलत नहीं कही? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो और कुछ बातें इतिहास बन जाती हैं अपने शहर के लिए। अब इतिहास भी ऐसे कि वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, कि अपने काम से कहें, नाम से कहें, या फिर पहचान से कहें, या फिर चेहरे की छाप से कहें, रमेश मस्ता जी के परिवार से। और मेरा सौभाग्य है, छोटी काशी का सौभाग्य है कि नगर परिषद चुनाव का बिगुल बज चुका नगर परिषद चेयरमैन के रूप में, और अब की बार कई बार हर बार की तरह काफ़ी चेहरों ने अपनी पहचान बताई, और कहीं ना कहीं जो नगर परिषद की चेयरमैन की चेयरपर्सन की जो जिम्मेवारी है सीट की, उसकी भागीदारी दिखाते हुए सुर्खियों में आ रहे मीडिया के माध्यम से। तो एक चेहरा वही स्वर्गीय श्री रमेश मस्ता जी के परिवार से, चेहरे से, जो नगर परिषद के अंदर दो बार चेयरमैन के पद पर रहे हों, और उन्हीं के परिवार से अब की बार कहीं ना कहीं चुनाव की सरगर्मियाँ तेज देखी जाए। लोगों की विनती कहें या समाज की विनती कहें, अब किस प्रकार से तैयारी करेंगे और किस प्रकार से अब की बार भूमिका निभाई जाएगी युवा पार्षद के रूप में, क्योंकि मोदी जी हैं वो हर बार कहते हैं कि इस देश का 65% युवा देश की तस्वीर को, तकदीर को बदलेगा। तो आकाश भाई क्या प्लान बनाया हुआ और किस प्रकार से इस शहर की इस स्थिति को युवा के रूप में संभाला जाएगा? देखिए, पहले तो अजय भाई अपनी बात रखने से पहले मैं अपने शहरवासियों को, जो कि एक मेरा परिवार है, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और आपको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपका जो ये जो चैनल है GNC, जो आज दिन प्रतिदिन एक नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, और जो आप एक भिवानी के लिए कार्य करते हैं कि समस्या को उठाते हैं, वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। मैंने देखा है कि अभी भी एक दो दिन पहले शायद कोर्ट के बाहर हमारे ताऊजी ईश्वर मान जी जहाँ पर कूड़ा था उसके ऊपर धरना दे करके बैठ गए थे। एक उनका और एक आपका भी पूरी अहम भूमिका है कि आपके आने से ही पूरी सफाई वहाँ की हो चुकी थी। तो एक ये सराहनीय काम है, मैं आपको भी इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आप समस्या को उठाते हैं। धन्यवाद। और रही बात आपके इस क्वेश्चन की, तो मैं एक ये जवाब देना चाहता हूँ कि आज के टाइम में युवा पीढ़ी जो आगे आकर के जो काम संभालती है और जो राजनीति के अंदर एक नया रूप हमको देने की कोशिश करती है, उसमें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका इनकी रहती है युवा साथियों की। आज मैं मेरे इलेक्शन की बात करूं तो मैंने जब पार्षद का इलेक्शन लड़ा था तो मेरी मात्र उम्र 24 साल थी, तो उस समय मेरे को इतनी राजनीति का इतना अनुभव भी नहीं था, लेकिन घर वालों के और मेरे जो वार्ड वाले हैं, जो एक मेरा परिवार है, उनके कहने से मैंने इलेक्शन लड़ा। और उस इलेक्शन के अंदर हर एक जो युवा साथी था मेरा, जो मेरे साथ का था, मेरे से छोटे थे, मेरे से बड़े थे, उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ इलेक्शन लड़ा और उन्होंने मेरे को जिताया। सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मेरे युवा साथियों की थी। तो मैं मेयर के इलेक्शन जो भी आने वाले हैं उसके अंदर भी मैं सोचता हूँ कि युवा साथियों का जितना सहयोग रहेगा उतना शायद ही किसी का रहे। बड़े बुजुर्गों का तो आशीर्वाद होता है, युवा साथियों का साथ होता है। तो अब की बार
इस चेयरपर्सन की कुर्सी पर आपको युवा चेहरा आना चाहिए या समझदार जो समय का अनुभव जिसका हो उसको सीट पर बैठना चाहिए, क्योंकि स्थिति आप फिर भी कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं वो खराब बता रहे हैं। देखिए ये तो सभी भिवानी वालों को पता ही है कि अब ये सीट जो है ड्रॉ में निकली है एक लेडीज़ की जी। तो हर एक परिवार के अंदर माताएं हैं बहनें हैं, तो ये जो सरकार की तरफ से जो लकी ड्रॉ निकाला था भिवानी के लिए कि भाई इसमें महिला इलेक्शन लड़ेगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा एक सराहनीय काम है कि भाई महिला को जिस तरह से महिला हर एक जगह पर आज चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, आज चाहे अपने खेल के उसमें देख लो, आज राजनीति के उसमें ले लो, आज हर महिला हर एक वर्ग में आगे बढ़ने लग रही है जो कि एक अच्छी बात है। और रही बात एक युवा की उससे सोच की, तो युवा तो एक तस्वीर पूरे देश की बदल सकता है, तो भिवानी शहर की क्यों नहीं बदल सकता। आज मेरे घर में मेरी ताई जी हैं जो श्री रमेश चंद्र मस्ता जी की वाइफ हैं, श्रीमती राज मस्ता जी। हम क्या एक क्या आपको आपसे सवाल करता हूँ ये, तो क्या आपको लगता नहीं कि आपके पास इतना शहर का अहम चेहरा था, चेहरा है श्री रमेश मस्ता जी की वाइफ के रूप में, और आप लेट हो चुके कहीं ना कहीं घोषणा करने में कि अब की बार उनको चेयरपर्सन की तैयारी करवाई जाए? इसमें लेट का तो अजय जी कोई प्रश्न नहीं उठता। कई बार तो आपका परिवार नहीं वर्तमान वोटों से भी बना है, आपके परिवार के लोग बने हैं, तो आप लोगों के वार्ड के लोग आपने इतना विश्वास है, और ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए तो रमेश मस्ता जी एक अहम चेहरा देखे जा सकते थे राजनीति के अंदर की बात की जाए तो, चाहे अपने नगर परिषद की बात की जाए, वैसे पार्टी की बात कर लीजिए, अहम चेहरा थे। लेकिन क्या बात है पीछे क्यों गए? मस्ता जी का तो 36 बरादरी से ही इतना मोह था जी, क्योंकि कहीं खड़े हो जाते थे जी तो शहर के जहाँ से रोड से निकलते थे ना कोई आदमी भी वो रुक जाते थे मस्ता जी आगे जी, तो वहाँ भीड़ लग जाती थी। वो किस कारण लगती थी? क्योंकि मस्ता जी को शहर चाहता था, प्रेम करता था, मस्ता जी भी उनसे ऐसे ही प्रेम करते थे जी, इसीलिए तो एक दूसरे से कड़ी मकड़ी मिलती है। लेकिन फिर आपको वो लेट क्यों हो गए प्रेम दिखाने में लोगों के लिए? नहीं अभी कहाँ, अभी छः महीने तो भाई साहब, छः महीने तो अभी कमेटी डिजोल्व को होनी है, 8 जनवरी को डिजोल्व होगी कमेटी, अभी तो बहुत टाइम है। और समाज भिवानी हमारा नया चेहरा नहीं है, चेहरा तो आपको पुराना है और बुजुर्ग है, सीनियर भी है, और समाज में एक तवज्जो वाला परिवार देखा जा सकता है। मैं यही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नया चेहरा हो तो एक साल पहले तैयारी करें। लेकिन मस्ता जी 2 दिन पहले आप कहीं ना कहीं नगर परिषद चेयरमैन के ऊपर भी दावेदार ठोक रहे थे, और एक पंजाबी समाज के जो युवा हैं उसको भी दावेदार ठोक रहे थे कि भाई अगर वो नहीं लड़ेगा तो वो लड़ेगा, फिर आज आप अचानक 2 दिन बाद कैसे याद आई? क्योंकि कड़वा सवाल है, बताएं प्लीज़, क्योंकि शहर जानना चाहता है, क्योंकि 2 दिन पहले मस्ता जी वहाँ पर थे और अब अपने पाड़े में लेके मस्ता जी को वाइफ के रूम में देख रहे चेयरमैन, तो क्या सोचते हैं? आपकी बात बिल्कुल राइट थी, जब मैंने कमेटी के अंदर ये बातें कही जी, ये कोई चोरी वाली बात नहीं है, खुले में कहा था, मैं तो खुला मैं हूँ, एकदम खुला आदमी, मैंने लिया था इंटरव्यू। हाँ आपने ही लिया था जी। अजय जी क्या हुआ, जब ये आप लोगों ने ये सारे शहर के अंदर दिखाया अपनी जी, आपके माध्यम से सारे शहर ने देखा, तो हमारे पास हमारे जो साथी थे, मिलनीय थे, झुलनीय थे, समाज के 36 बरादरी के आदमियों ने आके कहा, बोला भाई साहब आप ये काम कर रहे हो जी, ये तो कमेटी का जो आज कमेटी में उदाहरण दिया जाता है रमेश मस्ता जैसा नगर पालिका के अंदर भिवानी में कोई प्रधान नहीं हुआ जी, मजबूत जी, और भ्रष्टाचार का एक नया पैसा भी उनके नाम से नहीं लग सकता जी, कोई कह नहीं सकता, क्योंकि वो आने वाले युग के अंदर। लेकिन मस्ता जी ये बात तो शहर कह ही रहा, ये सभी कह रहे हैं भाई रमेश मस्ता जी की भागीदारी रही है शहर के लिए, लेकिन साहब आप भी तो कोई कदम नहीं उठा रहे, 2 दिन पहले क्या था, 2 दिन बाद में क्या हुआ वो थोड़ा बताया। यही तो बता रहा हूँ आपको मैं, जब हमारे मिलने वाले साथी 36 बरादरी के, उन्होंने मेरे पर प्रेशर डाला, आप और की सपोर्ट करते हो जब आपके घर में खुद इतने कैंडिडेट है तो आप बाहर क्यों जागते हो? आप मस्ता जी का जो चेहरा है श्रीमान रमेश मस्ता जी का, आज शहर में कौन नहीं जानता, आज भी इतने साल हो चुके हैं लेकिन आज भी भिवानी शहर के लिए जीवित है। तो जीवित तो है मस्ता जी, लेकिन आज अगर स्थिति की बात की जाए शहर की व्यवस्था की, सफाई के मामले हो, नाड़ों के मामलों के हो, लाइटों के मामले में हो, तो क्या स्थिति शहर की देखते हैं और क्या स्थिति आप आपके वार्ड के देखते हैं, क्योंकि युवा भी साथ में है और बुजुर्ग भी वो है। देखिए आपने बिल्कुल क्वेश्चन बढ़िया उठाया है,
मेरे वार्ड के अंदर 28 नंबर वार्ड के अंदर आप कहीं भी चक्कर मार सकते हो, मुझे तो नहीं पता था आप आओगे। अगर मुझे दो दिन पहले पता लग जाए कि मेरे वार्ड के अंदर अजय जी आएंगे तो मैं सफाई करवाता अच्छी तरह से, मैं लाइटें सारी ठीक करवाता। आज मेरे इस 28 नंबर वार्ड के अंदर से आप घूम के देखिए, आपको इतनी लाइट मेरे ख्याल में भिवानी के किसी वार्ड में नहीं होगी और जितनी सफाई मेरे वार्ड के अंदर है कहीं भी नहीं मिलेगी। शहर की स्थिति क्या क्या नापते हैं? शहर की स्थिति को आपको ज़्यादा मालूम है, आप अपने मुख से प्लीज बताएं। देखिए काम तो जो है आपके सामने ही है, आपसे छुपा हुआ नहीं है, खुल के बताएं क्या काम। खुल के बता रहा हूँ ना, छुप खुल के बता रहा हूँ आपको। आपको शहर के बारे में फुल नॉलेज है, आप हर जगह घूमते हैं, आप सफाई भी देखते हैं, लाइट भी बंद पड़ी रहती है, सफाई भी अच्छी तरह नहीं होती है, करवाते हैं कहीं ठेका पड़ता है, ठेकेदार कैसे काम करता है वो उनका मैटर है। कमेटी की तरफ से हम दबाव डालते हैं, जब मीटिंग होती है वहाँ सफाई नहीं है, वहाँ सफाई करा जाए, ठेकेदार को भी डांट लगती है, लाइट वाले को भी डांट लगती है। शहर के अंदर सफाई की दुर्भाग्य नहीं शहर का कि जो आपके युवा बेटे ने बताया कि दो दिन पहले ईश्वर मान जी कूड़े के ढेर पर अनशन पे बैठ गए थे, तो ये तो दुर्भाग्य है ना आप जैसे ग्रुप में, क्योंकि आप लोग आवाज़ नहीं उठा पाते। उठाते क्यों नहीं उठाते, आप मीटिंग में होते हो, जब कमेटी की मीटिंग होती है आप वहीं विराजमान होते हो, ये कैसे आवाज़ उठा रहे हो, आवाज़ सुनते ना हो किसी को। तो इनका काम है, प्रधान का काम है सेंट्री इंस्पेक्टर को बुलाना, लाइट बिल्डिंग वाले को, लाइट वाले को बुलाना, जेई को बुलाना, उनके पास उनको अगर मस्ता काम के नंबर दे नगर परिषद चेयरमैन के, वर्तमान के चेयरमैन को, तो कितने नंबर देगा काम के? क्योंकि दो दिन पहले तो पीट थपाव था, दो दिन पास अपना कैंडिडेट है, तो अब नंबर की बात है तो नंबर क्या देगा पुन्नू मस्ता जी? देखो शहर में काम तो हुआ है, हर गली पक्की हुई है, सफाई कि थोड़ी बहुत मान सकता हूं मैं, लेकिन अगर आज लाइट की और गलियों की अगर काम देखा जाए, इतना बजट जब से कमेटी बनी है, क्या सहमत है आपके? बिल्कुल 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 सहमत है। आप देख सकते हैं कि भिवानी शहर में कितनी गलियां बनी हैं, कितनी लाइटें लगी हैं। देखिए एक कोई भी चेयरमैन होता वो अपना 100% देने की कोशिश करता है, और शायद रण सिंह यादव जी ने जो कि मेरे बड़े भाई हैं उनने भी अपना 100% देने की कोशिश की है। आज मैं अपने वार्ड की बात करूं तो आज मैंने अपने वार्ड में 13 से 14 गलियां बनवाई हैं, और एक सिंगल एक ऐसी गली नहीं है जहां पर मैंने लाइट नहीं लगवाई हो। मैंने पार्कों में झूले लगवाए हैं, हाई मास्क लगवाई हैं, 3 लाइटें। तो एक देखा जाए तो एक ये काम कहाँ से हुआ है, एक कमेटी के उससे हुआ है, और वहाँ से कहाँ से हुआ है, एक रण सिंह यादव जी के उससे हुआ है चेयरमैन। आपको जो क्या पड़े हुए आप आज अपना कैंडिडेट उतारने के जब काम हो रहे, तो फिर आप उनका साथ क्यों नहीं दे रहे कि वो जो काम कर रहे हैं? साथ देने की बात नहीं है, ये अभी हमने ये फैसला नहीं लिया है कि हम इलेक्शन लड़ेंगे जी। ये इलेक्शन हम जब लड़ेंगे जब हम युवा साथियों से, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं भिवानी के अंदर, उनसे हम राय लेंगे, उनकी सहमति होगी, उनका प्यार मिलेगा। तो क्या राय आई लोगों की? लोगों की राय आई है कि इलेक्शन शुरू हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी, लोगों की राय आनी शुरू हो चुकी है कि आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन हम एक दो जने चार जने पांच जने के कहने से इलेक्शन तो लड़ेंगे नहीं। एक पूरा समाज है, पूरा भिवानी शहर है, एक परिवार है, उनसे हम सहमति लेंगे कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए, और समय बताएगा क्या है क्या नहीं, किस करवट मुँह लेता है ये चीज़ तो क्या है, देखते हैं आगे इलेक्शन की। लेकिन इतना साफ करें, हाँ जी, क्योंकि युवा है आप, मैं दो मिनट पहले मैंने आपकी बड़ाई की थी, हाँ जी, तो युवा है तो इस तरह साफ करके बताएं ये खेल होगा या वास्तव में छोटे काशी की चिंता भी होगी, क्योंकि अगर आप लोग बनते हैं तो आप अपने 5 काम बताएं जो छोटी काशी के लिए अहम है और जरूरी है जो करवाने चाहिए। देखिए सबसे पहला मुद्दा हमेशा मैं एक ही बात रखता हूं, वो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा, नगर परिषद जो अंडर नगर परिषद के अंडर आता है, सफाई एक सबसे बड़ा मैटर, और थोड़ी बहुत जो रोडों की समस्या है जी। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे कच्ची गलियां भी थोड़ी बहुत बची हैं, दूसरी चीज। तीसरी चीज देखो, मैं लाइट के लिए मैं बोल नहीं सकता क्योंकि लाइट लगी हुई है, ठीक है, और ये सीवरेज की समस्या पब्लिक हेल्थ के उसमें अंडर आता है, ये कमेटी के अंडर नहीं आता है। नाले अंदर आते हैं, सफाई हो रही है, मैं देख रहा हूँ, हाँ बिल्कुल है। और कौन सी चीज हो रहेगी, मतलब मेरे अगर ध्यान में नहीं आ रही इसका मतलब कि काम होने लग रहा है। तो ये काम हो चुके, हाँ जी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? बल्कि मेरा काम यही होगा, देखो एक छोटी सी चीज है, आज लाइटें हैं जी, रिपेयर होती हैं, खराब होती हैं, ये चीजें तो चलती रहेंगी, रोड ठीक है। नगर परिषद के जो पार्षद रहे, चेयरमैन है पंचगामा जी ग्रुप में, वो लाइटों का बड़ा घपला बता रहे कमेटी के अंदर, ये तो देखो मेरे को पता नहीं इतना, क्योंकि मैं तो 2017 में बन के आया हूँ, इतने में उससे पहले मैं पढ़ाई करा करता था, तो इतना मेरे को नॉलेज थी नहीं। अब जब मैं आया हूँ
जितना मुझे मालूम है उतना मैं बता सकता हूँ आपको राजनीति के बारे में क्या है क्या नहीं। पंचगांवा जी को मैं पर्सनली रूप से जानता हूँ, वो भी मेरे अंकल हैं जी, उनका भी अलग प्रेम है मेरे साथ, तो उन्होंने भी अपने अपने कार्य में अच्छे काम किए हैं जी। तो मैं ये कहना मेरा ठीक नहीं है कि उनने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मेरी नज़रों में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए काम तो क्या अकाश जी, तो आप भी बताएं ना। हाँ जी आप भी बताएं ना भाई, आप मेरा क्या करेंगे पांच काम? मैं बता रहा हूँ को पांच काम, मैं करने की जरूरत है पांच काम, ये जरूरी है सर। देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, पहली बात कि रोड है जी, 10 साल में 5 साल में रोड टूटते हैं। अच्छा जी, ठीक है, उनको रिपेयर हमेशा होती है, 5 साल में 6 साल में एक बार होती है। कमेटी गंटर क्या क्या आता है? कमेटी गंटर आते, रोड आते, सफाई आते, लाइट आती है उनकी, और आप जो कह रहे नाला वाली, तो इनकी एक प्रॉपर एक कार्यशैली बनाई जाएगी, इनको कैसे ठीक किया जाए। तो ये चीज हम क्या नाम है रोड, तो जैसे फिलहाल ठीक नहीं मानते ना, आप ये बता ना, फिलहाल ठीक नहीं मानते आप, चाचा जी की मैं बताऊं, आप अगर कुछ बता रहे हैं। मेरी बात सुनो, पापा ने भी कुछ गलत बात नहीं बोली ना, मैं कुछ बोला, कुछ गलियां हैं जो बननी बाकी है। अब जितना अगर पीछे से पैसा आएगा उसके हिसाब से तो लगेगा वार्ड के अंदर करोड़ रुपए सबसे ज्यादा। आपके पास पैसा आया क्या? ऐसी बात नहीं, या तो चुनाव लड़ेंगे तो फाइट बिल्कुल कि भैया ये कमी है, हम इस हम इस आधार को लेकर चलेंगे चुनाव, इस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। या तो आप ये बताएं कि भैया हमारे छोटे काशी के अंदर ये कमी है, प्रॉब्लम है जो हमें सोल्व करनी है, बनने की हमारे मन की इच्छा है कि समाज दुखी ना पाए, या फिर ये बताएं कि वास्तव में जो काम हो रहा, तो फिर आज आपकी चेयरमैन पर्सन की जरूरत है तो क्यों जरूरत है वो बताएं थोड़ा। आकाश भैया, अजय भाई देखो, समस्याएं होती हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा समस्या नहीं होती, देखो होती पैदा नहीं पैदा होती। आज रोड है ठीक है, बाद में टूटेंगे भी, एक छोटी सी बात है। आज लाइट है खराब है वो ठीक होगी, इसके लिए चेयरमैन को वोट देने की क्या जरूरत? बुजुर्ग महिला को क्यों? एक बात बताइए आप मेरे को, चेयरमैन एक प्रधान होता है शहर का, एक पहला नागरिक होता है, एक एमएलए की पावर जितनी उसकी चेयरमैन की पावर होती है। एमएलए जो काम एक तरह से एमएलए भी कर सकता है वो काम, एक वो चेयरमैन भी कर सकता है वो काम, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं अजय जी जो रह जाते हैं। अब रहने का मतलब मन में टीस रह जाती है कि हाँ बुराई कर नहीं सकता, लेकिन ये नहीं कह सकता कि काम हुआ है। देखो अजय भाई, दोनों चीज आपने कहा कि ऊंट किस ओर करवट ले ले, वो आपकी कहावत मैं पूरी कर देता हूँ। अगर मस्ता जी आपने कहा कि ऊंट पता नहीं किस ओर करवट ले ले, तो आका ऊंट का मन में तो है मन करवट लेनी है, देखो तो मन में है तो सबकी होती है अजय भाई जी, इलेक्शन लड़ने की तो मन में सबकी होती है, लेकिन आपका मन कैसा है? एक तो निस्वार्थ भाव से आप देश की सेवा करें, शहर की सेवा करें। वो मैं अगर राजनीति में मैं उतरा था, मैं मेरे ताऊ जी की प्रेरणाओं को लेकर के उतरा था कि मैं लोगों की सेवा करूं। आज मेरे को वार्ड का एक चुनिंदा बंदा बनाया, वो मेरे परिवार ने, मेरे वार्ड वालों ने बनाया मेरे को, तो उसके ऊपर खरा उतरूं। आज मैं कार्य मेरे करने लग रहा हूं शहर, मतलब वार्ड के अंदर पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम थी, जैसे रोड टूटे हुए थे, कई वो रोड ठीक मैंने ठीक करवाए हैं, तो ऐसी तो प्रॉब्लम 5 साल बाद फिर बनेगी, तो उनको भी ठीक करवाएंगे, एक नई चीज लेके आएंगे। वाईफाई की कुर्सी पे बना रहना है भाई, राजनीतिक खून है उन्हें, जैसे कि परिवार है लेकिन है, लेकिन युवा है, चषक है, काम होना चाहिए। एक मिनट, मैं लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ, सिर्फ एक लास्ट सवाल कि इस नगर परिषद के अंदर एक प्रथा है, प्रथा ऐसी है कि महिला प्रतिनिधि होता है लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कोई और करता है, तो क्या इस प्रथा को खत्म होना चाहिए, या इस प्रथा को किस प्रकार से आपका परिवार खत्म करेगा अगर चेयरमैन बनते हैं तो? थोड़ा क्या देख लें, चेयरमैन अगर भिवानी शहर ने हमें इस लायक समझा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आदमी की जरूरत नहीं है। हमारे घर में सब समझदार जी, पढ़े लिखे, हर चीज़ें। तो अब की बार ये सौगंध है छोटी काशी के लिए कि मस्ता जी के परिवार से कोई ना कोई कैंडिडेट जरूर होगा, माता जी के रूप में होगा। 110%, यानी अब किसी कंधे पर थपकी कौन मर जाएगी, अब थपकी आपके कंधे पर लगेंगे, ये तो परमात्मा लगाएगा। जैसे आपने कहा कि भी चेयरमैन बनने के लिए, आप ये देखिए हर साल 5 साल के बाद विधानसभा का इलेक्शन होता है। झूठ नहीं बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आपको मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मन में क्या है आज, मुंह पर क्या रहा है? नहीं, बात मैं जो आपको बता रहा हूँ, एमएलए का 5 साल में इलेक्शन होता है, फिर एमएलए का इलेक्शन क्यों लड़ते हैं जब 3 साल से कंटिन्यू विधायक बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, फिर आगे इलेक्शन लड़ने की जरूरत क्या, जब काम ही पूरा ना करें? ये तो ऐसा है ना, ये होगी भाई, पेट में छोरा गले में ढिंढोरा, वो बात होगी भाई, पेट वाला काम नहीं कर रहा, बड़े गोद वाले की चिंता कर रहे हो प्लीज, वो तो बता दीजिए। ये तो बात ये है ना, एमएलए की गुणगान नहीं गा रहे, लेकिन जिले जो चेयरमैन है उसके गुणगान पे मैं बता रहे, कमियां भी है। ऐसा है अजय जी,
ये कहना ओम प्रकाश चौटाले का जी, ओम प्रकाश चौटाला कहता है जब इलेक्शन का टाइम आता है ना तो मेंढक फुदकने लग जाते हैं जी। अच्छा है? हाँ हाँ, ये बरसाती मेंढक होते हैं। अच्छा, जो ये फुदकने लग रहे हैं ये बरसाती मेंढक के रूम में है, है? जो भी है, मैं बताता हूँ, ओम प्रकाश चौटाले के शब्द है ये। अच्छा, बहुत पूर्व मुख्यमंत्री जी, कहावत है ये तो, कहावत उन्होंने कहावत बना रखी है, क्योंकि ये राजनीति का कीड़ा होता है इंसान के। अच्छा, जो एक बार उसके अंदर घुस गया तो उसकी इच्छाएं जी, उसकी भावनाएं जी, लोगों से प्रेम करने की जी, लोगों का काम करने की जी, एक शक्ति हो जाती है जी। और लोग बाग तभी आते हैं जब कोई आदमी को उसका काम करता है। ये तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ अजय जी, अगर हम काम करेंगे तो ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे साथ भिवानी शहर नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। चलो भाई, तो बात की मस्ता जी के परिवार से, उनके भाई के रूप में, उनके भतीजे के रूप में। तो बात का सार ये कि काम होना चाहिए, 5 साल के बाद बदलाव आना चाहिए, बदलाव आएगा तो काम में परिवर्तन भी आएगा। तो अब की बार ब्राह्मण समाज की बात की जाए, मस्ता परिवार की बात की जाए, या फिर पूरे छोटी काशी के अपने उन लोगों के लिए बात की जाए जो जिसके अंदर जज्बा है काम करने का, वह काम करवाने का। तो देखते हैं अब की बात मजबूत कैंडिडेट चेहरा दिखता हुआ रमेश मस्ता जी के वाइफ के रूम में। तो देखते हैं भविष्य की चाल ये किस प्रकार से खेली जाएगी और किस प्रकार से ये चुनाव को लड़ा जाएगा, जातिगत के आधार पर लड़ा जाएगा या फिर काम के योग्यता के आधार पर अब की बार चुनाव होगा, और उसी वो वोट मिलेंगे जो योग्यता जिसके अंदर होगी, जो सीट की इस सीट की भावना को वह उसके सम्मान को ठेस न पहुँचाए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट।